दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज मेरा फैशन में एक बार फिर से। मैं हूं आपकी दोस्त वैष्णवी चौहान और आज आपके लिए लेकर आई हूं आपका फेवरेट। जी हां, आजकल जो चीज़ ट्रेंड में चल रही हैं, अगर आपने गेस कर लिया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अगर नहीं तो बता दूँ, डिजिटल प्रिंटेड साड़ी। अब डिजिटल प्रिंट में ओनली साड़ी से नहीं, कुर्ती हो, लहंगा हो या फिर ड्रेस मटेरियल हो, सूट हो, साड़ी हो, हर एक चीज़ ज़्यादा चलती है। तो मैंने सोचा डिजिटल प्रिंटेड साड़ी जो अलग अलग फैब्रिक के ऊपर डिपेंड है ना, वो मैं आपको आज दिखाऊंगी। सो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें अगर आपको होलसेल में डिजिटल प्रिंटेड साड़ी चाहिए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का वीडियो का पहला सैम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन अ लीलन कॉटन साड़ी। यस, यू कैन सी दिस इज़ अ लीलन कॉटन साड़ी और उसके ऊपर जो है ना काम किया गया है डिजिटल प्रिंट फ्लावर प्रिंटिंग का। आप देख रहे हैं एकदम 3D इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा, एकदम 3D लुक इस फ्लावर का है, राइट? सो इसको कहते हैं डिजिटल प्रिंटेड साड़ी। आज का वीडियो ही हमारा उसके ऊपर डेडिकेटेड है। तो लीलन कॉटन विद अ जरी, सिल्वर जरी, लाइट बॉर्डर। तो आगे बढ़ते हैं और ये काफ़ी खूबसूरत सी साड़ी हम यहाँ पर देखते हैं। अब फॉइल पूरा चरक का काम इसके अंदर किया गया है। चरक मतलब होता है कि पैकेजिंग जो है ना प्रॉपर की जाती है। सो ये देखिए पूरी लाइट एंड वेट लीलन कॉटन जो है, प्योर लीलन कॉटन का ये कपड़ा है और प्रिंटिंग आप देख रहे हैं बहुत ही एलिगेंट डिसेंट प्रिंटिंग आपको मिल रही है। कैटलॉग की यहाँ पर हम बात करते हैं। सो आई हैव दिस कैटलॉग, ये देखिए ये पूरा इसका कैटलॉग है। टोटल नंबर ऑफ पीसेस आप देख रहे हैं, इतने पीसेस का ये पूरा सेट है। इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं दोस्तों, आपको पूरा सेट लेना होगा, सिंगल पीस नहीं। ओनली B2B आप हमसे जुड़ सकते हैं, मतलब अगर कपड़े का बिजनेस करना है आप तभी हमसे अजमेरा फैशन से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सैम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। अब लीलन कॉटन के ऊपर एक और हैवी प्रिंटिंग की गई है। ये देखिए ये पूरा जाल कॉन्सेप्ट में है और पूरा मील में से अभी निकल के आया है, प्रॉपर पैक होकर ये चीज़ यहाँ पर आपको दी जा रही है। ये देखिए ये पूरी चीज़ है जिसके ऊपर ये फॉर्म जो है पूरा लगाया जाता है, जिससे इसका जो नयापन है ना बरकरार रहे, ताकि आपके कस्टमर तक ये चीज़ पूरी बनी रहे। अब ये जो देख रहे हैं ये चित पल्लू दिया गया है। जी हाँ, ये जो लाइनिंग यहाँ पर है ना, जिसको चित पल्लू कहते हैं। और बॉडी की बात करें, सो लुक एट द बॉडी, ये पूरी इसकी बॉडी आपको मिल रही है जो काफ़ी एलिगेंट सी है। लुक वाइज काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव चीज़ आपको ये मिल रही है ना, एकदम फाइन विद ब्लाउज पीस आपको ये कलेक्शन मिल जाता है। कैटलॉग की तरफ बढ़ते हैं। कैटलॉग का नाम है कमली। जी हाँ, कमली नाम का ये कैटलॉग है और देख लेते हैं पीस इसके अंदर। तो ये आप देखेंगे ये रहा पीस, ये इतने पीसेस का सेट है। टोटल 6 पीसेस का ये अगर आपको सेट मिल रहा है तो इसमें 6 के 6 कलर्स अलग हैं, 6 के 6 डिज़ाइन पैटर्न्स आपको अलग मिल रहे होंगे। सो काफ़ी अट्रैक्टिव और यूनिक चीज़ आपको ये मिल रही थी। आगे बढ़ते हैं और एक और वैरायटी देखते हैं। तो ये जो वैरायटी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये देखिए एकदम ही अट्रैक्टिव है। अब काम आप देखेंगे ना, पूरा डिफरेंट काइंड ऑफ काम इसके ऊपर है। और कपड़ा जो है ना आपको टसर मिल रहा है। जी हाँ, आपको ये टसर कपड़ा दिया गया है, सिंथेटिक टसर मिल रहा है। वैसे हमारे यहाँ प्योर सिल्क भी आता है और सिंथेटिक सिल्क भी आता है। और प्योर की वैरायटी की अगर मैं बात करूँ तो प्योर भी अवेलेबल है। सो इट्स अपॉन यू कौन सी वैरायटी आपको रखनी है। चलिए इसकी भी कैटलॉग की तरफ एक बार नज़र घुमा लेते हैं। तो ये देखिए पीस आप देखिए एकदम ही प्रिटी है। लास्ट कैटलॉग के लास्ट पेज पर हमें आइडिया आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पीसेज जो है इतने आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, है ना, एकदम यूनिक। और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पीस जो हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए चीज़ आप देखिए पूरा पेडिंग कॉन्सेप्ट जो है ना इस डिजिटल प्रिंटेड साड़ी में दिया गया है। मैं इसको इस तरह से होल्ड करती हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये देखिए ये पहला जो है फ्रंट साइड ये पूरा प्लेन लेकिन ब्लैक शेड के ऊपर है और इसका बॉटम शेड जो हम देखेंगे ना ये कुछ इस तरह के डिजिटल प्रिंटिंग के ऊपर किया गया है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ है ये। क्वालिटी की बात करूँ तो आपको ये टिशू फैब्रिक मिल रहा है। ऑर्गेन्जा और टिशू दोनों में एकदम फाइन लाइन होती है, एक हल्का सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। जैसे ऑर्गेन्जा जो होता है ना वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, ज़्यादा हम ये कह सकते हैं ज़्यादा मूवेबल होता है, ज़्यादा ब्रीदी होता है। और ये जो है ना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, टिशू फैब्रिक ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, जिसकी क्वालिटी ऑर्गेन्जा से अच्छी होती है। हाँ, ऑर्गेन्जा एक इम्पोर्टेड फैब्रिक है लेकिन ऑर्गेन्जा एक अलग है, टिशू एक अलग है। सो टिशू और ऑर्गेन्जा थोड़े थोड़े सेम दिखते हैं लेकिन ये डिफरेंस मैंने आपको यही बता दिया तो आपको ख्याल आपको पता चले कि किस तरह की ये चीज़ आपको यहाँ मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और एक और खूबसूरत चीज़ देखते हैं। अब इसका मोटिव जो है ना आप देखेंगे तो हल्का सा फ्लावर
डार्क फ्लावर प्रिंटिंग का मिल रहा है और कलर शेड्स भी काफ़ी सोबर हैं, बिल्कुल सोबर कलर शेड है। शेड से आप हर जगह जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी ना, उस जगह कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग तरीके का काम मिलेगा। तो ये खासियत है इस हैवी डिजिटल प्रिंटेड साड़ी की, है ना, एकदम यूनिक। और इसके अंदर की जो डिज़ाइन है ना, वो इंस्पायर्ड है हमारे एशियन नॉलेज से। जी हाँ, एशियन नॉलेज, जहाँ पर मंदिरों में या मस्जिदों में या फिर जो हमारे अलग अलग जो गुफाएँ हैं, ऐसी जगह से जो इसके डिज़ाइन से वो इंस्पायर्ड की गई है। तो है ना एकदम खूबसूरत सी चीज़। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर होलसेल में अवेलेबल होती हैं, इसीलिए अगर आपको कपड़े का बिज़नेस करना है और ऐसी खूबसूरत सी वैरायटीज़ अपने पास रखनी है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अजमेरा फैशन ज़रूर आए। और आना अगर आपके लिए पॉसिबल ना हो, सो डू नॉट वरी, आप ऑनलाइन कलेक्शन ऑर्डर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कलेक्शन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं वहाँ जाके सिर्फ कॉल या व्हाट्सएप के ऊपर हाई मैसेज करना है, आगे की जानकारी हम आपको वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ देखते हैं। ये देखिए, ये साड़ी आप देखिए, पूरे शेड्स जो है ना, काफ़ी यूनिक शेड्स है, डार्क, लाइट, और जो प्रिंटिंग है ना, ज्योमेट्रिकल प्रिंटिंग इसका, इसके ऊपर जो है की गई है। खास करके ऑल ओवर इंडिया में ऐसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और अगर आप ये चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया आप रहते हैं और वहाँ से ये चीज़ मंगवाना चाहते हैं, सो बिल्कुल आप मंगवा सकते हैं घर बैठे। आप कहीं भी बैठे हो इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, मोर देन 33 कंट्रीज़ में हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतने लोगों का ट्रस्ट अजमेरा फैशन पे बना है, प्रोडक्ट इतनी सारी है, वैरायटीज़ इतनी सारी हैं कि हर तरह के कस्टमर को ये चीज़ ज़रूर पसंद आएगी। आगे बढ़ते हैं और अगला सैंपल हम यहाँ पर देखते हैं। सो ये देखिए, फुल हैवी फ्लावर प्रिंटिंग वाली साड़ी है, और कपड़ा जो अगर मैं बात करूँ तो ये क्रैप फैब्रिक में आपको मिल रहा है, पूरा क्रैप कपड़ा आपको ये दिया गया है ना एकदम यूनिक, लाइट कलर्स हैं। और एक और साड़ी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, ये भी आपको टिशू में दिखा रही हूँ, टिशू में आपको ये चीज़ मिल रही है। ब्लाउज़ पीस सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये देखिए, एक भी साड़ी में आपको मैंने ब्लाउज़ पीस नहीं दिखाया, क्योंकि वो खोलने के बाद लास्ट में चला जाता है, लेकिन ये पहले दिखा रही हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा कि विद ब्लाउज़ पीस, विदाउट ब्लाउज़ पीस, विद लेस बॉर्डर, विदाउट लेस बॉर्डर, विद वीविंग, विदाउट वीविंग, मतलब जो भी चीज़, जैसी भी कैटेगरी की चीज़ अगर आपको चाहिए तो अजमेरा फैशन में मिल जाती है, क्योंकि हम जो ट्रेंडी चीज़ होते हैं ना, वो खुद यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर आपको, आप छोटे गांव देहात में रह रहे हैं तो भी आपको आपकी पसंद की चीज़ मिल जाएगी। अगर आप सुपर मॉल, कोई बड़े शहर के सुपर मॉल में भी कोई चीज़ अगर सेल करना चाहते हैं, तो उतनी क्लासी चीज़ें भी आपको यहाँ मिल जाएगी, तो ज़रूर एक बार यहाँ आएँ। आगे बढ़ते हैं और हमारे आज का वीडियो का लास्ट सैम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत चीज़ आपको ये मिल रही है। पैनल आप देखिए, इसका पैनल में पूरा फ्लावर कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर मेंटेन किया गया है, जो काफ़ी डिसेंट यहाँ लग रहा है। और ये चीज़ अगेन बता दूँ, ऑल ओवर इंडिया में चलेगी। प्राइस रेंज की बात करूँ तो एग्जैक्टली हम प्राइस नहीं बताते हैं प्रोडक्ट की, अगर आपको प्राइस जाननी है तो स्क्रीन पर नंबर है, वहाँ कॉल कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिए गए हैं, वहाँ पर जाके कॉल या मैसेज कीजिए। ऑनलाइन ऑर्डर आप वहाँ से कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अवेलेबल है। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन अ डिजिटल प्रिंटेड साड़ी। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं हूँ आपकी दोस्त वैष्णवी चौहान, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।